चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर को गुजरे हुए 2 साल होने को जा रहे हैं। साल 2020 में 30 अप्रैल के दिन ऋषि कपूर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ऋषि कपूर के गुजर जाने के बाद खुद को संभालती हुई देखी गई है दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर। नीतू कपूर और ऋषि कपूर की लव स्टोरी से हर कोई वाकिफ रहा है। काफी दिलचस्प रही है ऋषि कपूर और नीतू कपूर की लव स्टोरी और दोनों के रिश्ते से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो आज भी वायरल होते रहते हैं। आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं ऋषि कपूर के बेटे एक्टर रणवीर कपूर के उस इंटरव्यू के बारे में जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि किस तरीके से उनकी मां नीतू कपूर को ऋषि कपूर ने धोखे में रखा था जब उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। रणवीर कपूर जो अपने पिता को पल पल याद करते हैं और पिता को याद करते हुए कई बातें वह शेयर करते हुए देखे जाते हैं। चले बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार रणवीर ने क्या कुछ बताया है अपने पिता को याद करते हुए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी यादों के जरिए हमेशा ही हमारे बीच मौजूद रहेंगे। ऋषि कपूर ने अपनी फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी, फैंस के दिलों में बेहद अलग और खास जगह बना रखी थी। लेकिन 30 अप्रैल साल 2020 में ऋषि कपूर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ऋषि कपूर को पल पल याद करते हुए देखे जाते हैं कपूर परिवार के सदस्य, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे और उनके फैंस। वही सोशल मीडिया और इंटरव्यूज के जरिए उनके परिवार के सदस्य अपने दिल के दर्द को बयां करते हुए कई दिलचस्प राज खोलते हुए भी देखे जाते हैं। हाल ही में एक्टर रणवीर कपूर ने ऋषि कपूर को याद करते हुए कई राज खोले हैं। दरअसल आपको बता दें, रणवीर कपूर अपने पिता ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन के प्रमोशन के दौरान कई राज खोलते हुए दिखाई दिए हैं। शर्मा जी नमकीन को 31 मार्च के दिन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। इस दौरान उन्होंने ऋषि कपूर को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने अपनी पत्नी नीतू कपूर को धोखा दिया जब उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। रणवीर कपूर ने बताया कि पिताजी को जब शुरुआती कैंसर का इलाज चल रहा था उस दौरान सिर्फ उन्हें एक ही बात की चिंता सताई थी, जो था उनका डेली रूटीन, वो बिगड़ जाएगा। दरअसल उन्हें हर रात 2 ड्रिंक पीने की आदत थी, उसे कैसे बचाया जाए इसके लिए ऋषि कपूर जी ने एक हिलेरियस प्लान बनाया था। जी हां, उन्होंने बताया है कि डॉक्टर को ऋषि कपूर ने बहकाया कि वो रात में सो नहीं पाते हैं, इसके लिए वो नींद की 2 गोलियों की बजाय 2 ड्रिंक पिएंगे। और इस तरह से ऋषि कपूर ने प्लान बना लिया नीतू कपूर से झूठ बोलने का भी। डॉक्टर को फोर्स करने के बाद उन्होंने पत्नी नीतू को कहा कि डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी है कि नींद की गोली की बजाय वह 3 ड्रिंक ले सकते हैं। ऋषि कपूर ने डॉक्टर के नाम पर नीतू कपूर को धोखा दिया और नीतू कपूर उनकी बातों का विश्वास भी कर ली। इस तरीके से नीतू कपूर को वह झूठ भी बोल दिया करते थे। रणवीर कपूर जो पल पर अपने पिता को याद करते हुए देखे जाते हैं और उनकी आंखें नम होती हुई दिखाई देती हैं। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए ऋषि कपूर इलाज के दौरान किस तरीके से पत्नी नीतू कपूर से झूठ भी बोल गए थे। वहीं अगर बात की जाए ऋषि कपूर की फिल्मों के बारे में, हाल ही में उनकी आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है और इस दौरान देखने को मिला है कि फिल्म के रिलीज होने से पहले पूरा ही परिवार भावुक होते हुए भी नजर आया है। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।